हेलो हेलो हेलो, वेलकम बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन जिसमें मैं ले रही हूँ द रूट लेसन 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ जो बुक में कंटेंट दिया है उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसको कोरिलेट करूंगी अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन से। तो द रूट की बात आ रही है इसमें। सबसे पहले ये इस डायग्राम को देखने के लिए बात कर रहे हैं जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये है हमारी पहेली, ये है हमारा बूझो। तो ये दोनों किस तरह से प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे हैं और किसका करेक्ट तरीका है, तो बुक में ये पूछा है हमसे क्वेश्चन। तो अब आप ये देखिए कि जो पहेली है वो रूट्स की तरफ प्लांट वाटरिंग कर रही है और जो बूझो है वो पत्तियों की तरफ वाटरिंग कर रहा है। तो इनमें से तरीका किसका ठीक हुआ? तरीका ठीक हुआ पहेली का, बिकॉज जो रूट्स हैं वही सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। सो इट्स बेटर टू गिव वाटर टूवर्ड्स द रूट्स एंड नॉट टू द लीव्स। अब बहुत से एक्टिविटीज के थ्रू हमें समझाया गया है कि रूट्स के क्या फंक्शंस होते हैं या रूट्स में और क्या खासियत होती है। तो उसके लिए लोगों ने बोला है कि हमको सॉइल, हमें दो पॉट्स चाहिए होंगी, खुरपी, सॉइल, ब्लेड वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हमको रिक्वायर्ड हैं अपना इनको रूट्स को ऑब्जर्व करने के लिए या रूट्स के फंक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। अभी आगे क्या कहते हैं कि हमने दो सेम काइंड के दो प्लांट्स लेने हैं, उसके बाद उनको डिग करना है विद द रूट्स अच्छे से, हाँ, जैसे और उनकी जो रूट्स हैं वो टूटे ना, इस तरह से हमको उन्हें लेना है और उन्हें दो पॉट्स में, पॉट ए और पॉट बी में हमने उनको प्लांट करना है, ठीक है। और एक प्लांट की जो ए में है उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी और जो दूसरा प्लांट है उसकी रूट्स हमने कट कर देनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, बट व्हाट डू यू सी आफ्टर दैट, दोनों की ग्रोथ सेम होगी या कुछ फर्क होगा? ऑब्वियसली जो प्लांट की रूट्स नहीं है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, थोड़े दिनों में वो प्लांट मुरझा जाएगा और उसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और वो मर जाएगा। व्हाई? बिकॉज रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दस हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने बताया है कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें ग्राम और मेज की सीड लेनी है एक एक, कॉटन वूल चाहिए, कटोरी चाहिए और वाटर चाहिए। अब हमने क्या करना है कि ये जो सीड्स हैं अलग अलग कटोरियों में हमने रख देनी है और उनको थोड़ा सा वार्म जगह पर, अंधेरी जगह पर, एंड कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, ठीक है। गीली कॉटन में हमने इन सीड्स को रख देना है वार्म प्लेस में और अंधेरी जगह में। एंड देन व्हाट विल वी सी, वी विल सी कि उसमें जो है स्प्राउट्स निकल आएंगी, है ना। स्प्राउट्स जिसको हम बोलते हैं अंकुरित करना किसी भी सीड को, तो अंकुर फूट आएंगे। अब हम एक हफ्ते के बाद उनको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए, जो यंग प्लांट उसमें से जर्मिनेट हुआ है या जो अंकुर फूटा है उसको आप कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश कीजिए। विल यू बी एबल टू डू दैट? तो नो, इट इज़ नॉट लाइक, हम जैसे ये चना आप देख लीजिए, चने को हम अगर निकालने की कोशिश करें जो उसमें से अंकुर फूटा है वो उसको पकड़ के रखेगा कॉटन को, हम उसको ईजिली उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं, दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉयल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉयल। दैट मीन्स जो अंकुर फूटा है, अंकुर में जो नीचे की तरफ ग्रोथ होगी वो होती है उसकी जड़ें। तो ये जो जड़ें हैं ये मजबूती से सराउंडिंग सॉयल या यहाँ पर सराउंडिंग कॉटन को उन्होंने पकड़ लिया है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट बेबी प्लांट फ्रॉम दैट सॉइल और कॉटन। तो इसलिए एक फंक्शन जो रूट का है दैट इज एंकरेज टू द प्लांट। नाउ एक्टिविटी 8 में अब ये पूछ रहे हैं कि द रूट्स ऑल्सो शो वेराइटी, और इसको बताने के लिए एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो अभी हमने आगे देखेंगे, दो पिक्चर्स हम लोग देखेंगे और उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये देखिए, ये है मेज की सीड और ये है ग्राम की सीड। अब आप इसमें देखिए दोनों में कोई फर्क है, ये जो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है ना,
ऊपर वाला नहीं मैं जिक्र कर रही हूँ, जो सीड में नीचे की तरफ ग्रो करता हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं रूट, बिकॉज रूट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड इन टू द सॉइल। तो इसमें जो मेज का है वो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, और हो सकता है आगे जाने पर इसी में से और भी ये निकलना शुरू करते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। बट इसमें आप देखिए एक मेन टेपरिंग रूट है और उसके साइड में ये लेटरल रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन में। तो अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों सीड्स को अब आप देखिए, इनसे आप कंपेयर कीजिए, है ना, ये वाली जो पिक्चर्स हमने दिखाई हैं, दिस एंड दिस। तो ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है इसमें मेन रूट एक ग्रो कर रही है और साइड में लेटरल रूट्स निकल रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। और ये जो दूसरा वाला है इसमें क्या है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी फाइबर जैसी पतली पतली रूट्स निकल रही हैं, एंड दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं आइदर दे विल हैव टैप रूट सिस्टम, जिसमें कि एक मेन रूट होगी बाकी लेटरल रूट्स होंगी, और अगर कोई दूसरा प्लांट है उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम हो सकता है जिसमें कि मेन जो रूट्स हैं सारी सिमिलर होंगी, थ्रेड लाइक होंगी, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगी। डू यू नोटिस लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड? यस, दे आर वेरी वेल रिलेटेड, दैट दिस वी हैव ऑलरेडी सीन एंड आई विल डिस्कस इट अगेन। सो देयर इज अ कोरिलेशन। अब ये जो बूझो है हमारे कैरेक्टर बुक में, ये बोल रहे हैं कि इज इट लाइक कैन आई सी द प्लांट्स लीफ एंड से व्हाट काइंड ऑफ रूट इट इज, और वाइस वर्सा, यस वी कैन ऑलवेज टेल। सो द कोरिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द रूट इज गिवन हियर। अगर पैरेलल वेनेशन है तो जो उसका रूट है वो हमेशा फाइब्रस होगा, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो जो उसका रूट है वो हमेशा टैप रूट होगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि पैरेलल और फाइब्रस रूट वाले प्लांट को मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है जिसकी टैप रूट है, इस तरह के जो प्लांट हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं। ओके, नाउ अब ऑलरेडी वी हैव सीन फाइब्रस रूट और ये टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स, और तो उनके वेनेशन को अगर मैं बताते जाऊं और या रूट को मैं बताते जाऊं तो वी कैन ऑलवेज प्लेस देम टुगेदर। ओके, तो अगर जैसे पैडी का मान लीजिए हमको लीफ वेनेशन पता है, पैडी का हो गया, वीट का हो गया, मेस का हो गया, बैम्बू का हो गया, तो जो इनका लीफ वेनेशन है दैट इज पैरेलल काइंड, सो दे विल बी प्लेस्ड इन विच कैटेगरी ऑफ रूट, दे विल बी प्लेस्ड इन फाइब्रस, हियर ऑल्सो फाइब्रस, फाइब्रस एंड फाइब्रस। ठीक है, और जो बाकी बचे प्लांट हैं इनकी जो लीव्स हैं ये सारी की सारी होती है रेटिकुलर वेनेशन, तो इनके जो रूट सिस्टम होगा, नीम का हो गया, तुलसी का हो गया, कैरेट का हो गया, मैंगो का हो गया, दे ऑल विल बी टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिटन नेक्स्ट। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, और स्टेम कंडक्ट्स इट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमने देख लिया था। देन नेक्स्ट व्हाट दे हैव टोल्ड, लीव्स प्रिपेयर द फूड एंड द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, यस वी नो, थ्रू द ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी खाना लीव बनाती है वो ट्रेवल करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है फॉर द फ्यूचर यूज बाय द प्लांट। बट हम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वी ट्राई टू टेक दैट फूड, ईट दैट फूड फ्रॉम द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं लाइक उनकी जो रूट्स हैं उनके अंदर जो फूड है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सो कैरेट हो गई, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टपियोका, ये सारे जो हैं प्लांट की रूट्स हैं जिनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है एंड वी कंज्यूम दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज फूड। तो इतना ही हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कंटेंट दिया था विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू कैन कोरिलेट इट विद माय प्रीवियस प्रेजेंटेशन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।